हेलो एवरीवन माय नेम इज रिद्धि यहाँ पर हम फेबियन सोशलिज्म पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक पीएसआर ऑप्शनल का पार्ट है यूनिट एट का पार्ट है तो फेबियन सोशलिज्म अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये वो फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है जो कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पर चलता है तो ये लोग क्या कहते हैं कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क अडॉप्ट करके धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे बेसिकली ग्रेजुअल कन्वर्जन पर ये लोग बिलीव करते हैं कि आपको अगर सोशलिज्म अचीव करना है तो सोशलिज्म अचीव करने के लिए ग्रेजुअल कन्वर्जन होना चाहिए राधा देन कि आप पूरा रेवोल्यूशन लेके आओ और रेवोल्यूशनरी ओवर थ्रो हो जाए वो चीज़ में ये लोग बिलीव नहीं करते यूटोपियन सोशलिज्म आया था इससे पहले जो हमने पेड लेक्चर्स में पढ़ा था तो यूटोपियन सोशलज़म के बाद ही ये मूवमेंट ओरिजिनेट हुई थी तो कुछ ऐसे कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं फेबियन सोशलिज्म के और सिंपल लैंग्वेज में कि धीरे धीरे ये बढ़ता है स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है बिल्कुल एब्रप्ट नहीं चलता है एंड देन स्टेप बाय स्टेप लोगों का भी पार्टिसिपेशन इसमें रहता है फिर धीरे धीरे लोगों के थ्रू डेमोक्रेटिक राइट्स का एक्सटेंशन हो जाता है ये लोग कहते हैं कि स्टेट बहुत ही ज़रूरी है एक अल्टीमेट अल्टीमेट आर्बिटर है सारे डिस्प्यूट्स का तो स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर माना जाता है और पावर जो है वो स्टेट के हाथ में ही रहनी चाहिए बट ऐसी अपॉर्चुनिटी स्टेट को नहीं मिलनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से अपनी पावर को एक्सरसाइज कर दे या फिर आर्बिट्रेरिली बेसिकली पावर का एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए तो स्टेट के हाथों में पावर ज़रूर दी गई है पर गलत तरीके से यूज़ ना किया जाए और यहाँ पर ये लोग जितनी भी की इंडस्ट्रीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं इकनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए उसको नेशनलाइज करने को ये लोग एडवोकेट करते हैं साथ ही साथ ये ये भी कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है पूरी इकोनमी का वो स्टेट ही करेगी ओके तो स्टेट ये लोग रोल से बहुत सिंपल है स्टेट का कि जितनी भी कंडीशन है वो स्टेट के हाथ में होगी कि स्टेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा हमारी कंडीशंस को और सोशलिज्म के लिए एक रास्ता तैयार करना पड़ेगा एक वे आउट निकालना पड़ेगा सोशलिज्म के लिए और ये सब चीज़ें फ्रीडम हमारी ख़त्म ना करते हुए ये सोशलिज्म अचीव करना होगा ये इनका पूरा मानना है कि कंट्रोल भी रहेगा स्टेट का या पार्लियामेंट का इकनॉमी पे और साथ ही साथ इकनॉमी या फिर सारी चीज़ों पे स्टेट का कंट्रोल भी रहेगा और फ्रीडम भी हमारी नहीं जानी चाहिए ये इन सब चीज़ों की बात करते हैं और बहुत सारे इसमें पार्लियामेंट्री प्रोसेस हो गए जैसे अलग अलग टाइप के पार्लियामेंट्री प्रोसेस हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पलिव यूनिवर्सल एडर्ट फ्रेंचाइज हो गई या फिर पीरियडिक इलेक्शन हो गए या फिर जैसे रिप्रजेंटेटिवज आ गए ठीक है उनके द्वारा लॉज इन हो गए ये सारी चीज़ें इसमें सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए इस ज़रूरी है तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस को सपोर्ट भी करते हैं और कंप्लीट रेवोल्यूशन या आर्म्ड स्ट्रगल के ये बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं कि रेवोल्यूशन कंप्लीट रेवोल्यूशन हम लोग नहीं जाते या आर्म्ड स्ट्रगल नहीं जाते क्यों क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर हम आर्म स्ट्रगल या रेवोल्यूशन पर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो टेम्परेली आपको रिलीफ ज़रूर मिल जाता है बट लॉन्ग रन में वो चीज़ बहुत ही डिज़ास्ट्रस रिजल्ट्स लेकर के आती है तो इस वजह से ये ये सब चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं फिर ये लोग कहते हैं कि धीरे धीरे आपको गवर्नमेंट को सोसाइटी को थोड़ा सा रीजनेबल रीस्ट्रक्चरिंग होनी ज़रूरी होती है जो भी वो साइंटिफिक बेसिस पर ये चीज़ें परसीव होती हैं उसके बेसिस पर ही आपको धीरे धीरे गवर्नमेंट सोसाइटी को इस तरीके से रीस्ट्रक्चर करना चाहिए कि सोशलिज्म अचीव किया जाए तो अब कंटेंट के मामले में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा कॉन्टेंट साइड में सेम uh, यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि ये पहला ऐसा सिस्टमैटिक डॉक्टरीन है एवोल्यूशनरी तो सोशलिज्म का धीरे धीरे एवोल्यूशन होगा सोशलिज्म का रा कोई रेवोल्यूशन लेके आए और एकदम से नहीं सोशलिज्म आएगा और मार्क्स काल मार्क्स का जो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म था उसका यह सब्सटीट्यूट है एक तरीके से तो फेबियन सोशलिज्म ये कहता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक स्टेट को एक आधार बना करके और सोशल रिफॉर्म को अचीव करेंगे एक सिस्टमैटिक सोशल रिफॉर्म को अचीव करेंगे तो डेमोक्रेटिक स्टेट को उसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया अब मिशन सोशलिस्ट का बहुत ही सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए कि कुछ ऐसी नॉलेज एक्वायर की जाए कुछ रिसर्च करके कि कैसे इकोनॉमिक सोशल लाइफ काम करती है ये मेन काम है और धीरे धीरे सोशलिज सोशलिज्म अचीव करना आ, काम होता है फेबियन सोशलिज्म इसी बारे में है. दिस आर वेबसाइट सिनोपिस डॉट कॉम तो यहाँ पर आप जाओगे पी एस आई आर ऑप्शन कोर्स के बारे में आपको जो भी डिटेल चाहिए वो यहाँ से आप जा करके ले सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर